क्या नाम है माता जी मेरा आपका? नाम गीता पांडे, गीता मेरे पांडे पति जी। का नाम राधेश्याम पांडे, कि उनका स्वर्गवास अच्छा, हो गया। स्वर्गवास हो गया। ये हाँ जी, देखिए इन माता जी की व्यवस्था ये है, देखिए मेरे ये छोटे देखिए छोटे बच्चे काफी सारे ऊंची तोड़ नाली से काफी ऊंची ये इनके सीढ़ियां लगी हुई थी जो तोड़ दी गई है एमसीडी के ये जो कर्मचारी हैं इनके एक द्वारा। बच्चा ये एक ही और ये छोटा यहाँ पे गंद बंद है गली आगे से, देखिए और ये छोटे छोटे बच्चे भी कैसे चढ़ेंगे ये अब चढ़ बताया जाए। नहीं पा रहे, खाना नहीं खाए, खाना नहीं खा पाएंगे। आपका क्या नाम है? उर्मिला पांडे। जबकि उर्मिला जी, उर्मिला यादव जी, तो आप लोगों को भी परेशानी हो रही है ना इससे? आप खुद देख लीजिए, ये अभी रोड बनी थी कुछ समय पहले ही, सीवर हाँ। भी डले थे और ये दोबारा से नाली तोड़ दी गई। अगर ये नाली ऐसे ही करनी थी तो आप नाली पहले तोड़ते ना। हाँ बता, लोगों को जो परेशानी हो रही घर में नहीं जा पाएंगे, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? के एमसीडी के जो ये सरिया पड़ी है, हाथ टूटा हुआ है, ये इनके हाथ में सरिया पड़ी हुई है, पकड़ के घिर रहा है ऊपर, तो जाके एक और खाना खाई, बताओ कैसे? और ये आगे गली बंद है जबकि इन्हें नाली चाहे तो अपने घर के आगे से भाई यहीं से बंद करके आप आगे कर दीजिए, नाली आगे नहीं है परंतु जबरदस्ती ये तोड़ी गई है। और यह देखिए आपका क्या शुभ नाम है? बता दो कुसुम जी, आपकी क्या परेशानी है? यह इनकी देखिए ये मकान का लाइ, ये दीवार इसका गली का लास्ट है और जबकि इनका पाइप यहाँ से निकला हुआ, ये नाली का इनका पाइप है, तो इनके आगे तो नाली की जरूरत नहीं थी, फिर भी इनके मकान की जो जबरदस्ती सीढ़ियां तोड़ देगी जो मकान में ना जा पाए। दोबारा फिर बोल के गए पूरा तोड़ाएगा। ये देखिए वो कह रहे कि दोबारा फिर तो तोड़ दिया जाए, जबकि इनके यहाँ मकान ये लास्ट आगे दीवार है बायोडाइवर्सिटी पार्क की, उधर नाली नहीं जा सकती और नाली आगे जानी चाहिए, फिर भी लोगों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। और ये घटिया इस तरह का माल लगा करके ठेकेदार जानबूझ करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कहां तक, अभी तो लॉकडाउन से उभरे थे कोरोना काल में, जो लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं साहब, भूखन मरे हम लोग, भूखन मरे, और ऊपर से भी ये खर्चा, एक और खर्चा इन्होंने बढ़ा दिया। बताओ पेट भरे बच्चों के, ये करे बताइए, आप ही सोचो, मेरे बच्चे कोई सरकारी सर्विस भी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट ऐसे। तो अब आप ये बताइए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी यही सरकारें जो ये ड्रामा करवा रही हैं, जो लोगों को दुखी कर रही हैं, और कोई नहीं करवा रहा है। तो केजरीवाल जी और मोदी जी दो ही हैं जो कर रहे हैं ये, अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं बिल्कुल नहीं, देख लीजिए आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं क्या ये? बहू ऊपर से उठाई जबकि उसके पैर में मेरे पैर, नाली में परेशानी अब इन ये बता रहे हैं कि इस घर इस मकान में लैट्रिन ऊपर है तो ये कैसे जाएंगे, इसलिए जानबूझ करके इनकी ये तोड़वाई जा रही है, जबकि मकान वाले सब लोग कह रहे हैं तो और किसी को नहीं, सबके जीना है, गली वाले सब लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं, बच्चों के भी देख लो। हाँ तो गली वालों को तो डरा रहे हैं ना वो जी, देखिए एक छोटे बच्चा एक है, इससे एक छोटा है, बताइए ये बच्चे कैसे चढ़ेंगे इतनी ऊंची जीने पे, लगभग 4 फीट की ऊंचाई है और इनकी जीना तोड़ दिया गया है, तो ये कैसे चढ़ेंगे इसके ऊपर ये ध्यान दिया जाए। यह है धड़ोदा 5/3 की गली नंबर, कितना है? 6। गली नंबर 6 है। यहाँ पे एमसीडी द्वारा और यहाँ कुछ पदाधिकारियों द्वारा मिलकर के जबरदस्ती कार्य ये कर रहे हैं और लोगों की नालियों को तोड़ रहे हैं, जिनके लगभग 1.5, 2, 3 या 4 फीट भी ऊंचाई है नाली से ईंटों की, उन्हें भी जबरदस्ती ये तोड़ रहे हैं और यहाँ पे लगा क्या रहे हैं, ये कच्ची ईंटें लगाई जा रही हैं, ये देख ये दिखाना बताइए, ये कच्ची ईंटें लगाई जा रही है और पक्की पक्की ईंटों को उखाड़ करके ये लोग परेशान हैं। आप लोग सब परेशान है ना? ये बिल्कुल परेशान, सब परेशान है ना जी। ये देखिए ये माता जी के, ये माता जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पहले तोड़ी थी 4 फीट ऊंचाई है, 4 फीट ऊंचाई है, ये कैसे चढ़ेंगे इनके अपने मकान के ऊपर कैसे जाएंगे? ये देखो छोटे, अरे आपको नाली तोड़नी है, नाली बनानी है तो तरीके से बनाए, किसी की पैड़ी क्यों तोड़ रहे हैं? उनकी पैड़ी यदि ऊंची है तो उसके साइड से आप अपनी ईंटें लगा करके, वो ईंटें भी सरकार को मिल जाएंगी। एक तो आप घटिया माल लगा रहे हैं, एक 12 का ये लगभग इसमें मसाला लगा रहे हैं, इससे नुकसान किसको हो रहा है? यही की जनता को, और अभी कुछ समय पहले 15-16 का लगा रहे हैं, एक 15-16 का लगा रहे हैं, तो इससे क्या है नाली रुक पाएंगी? अभी ये जो काम है अभी 2-3 साल पहले ये पक्की आरसीसी हुई थी, यहाँ पे सीवर भी डले, पर इन्होंने सीवर में दोबारा खोद के रोड पहले खराब कर दी, ये कह रहे हम दोबारा रोड बना देंगे, इनके बाप का माल है क्या दोबारा 10-10 बार बना देंगे? एक रोड यदि बनता है तो 8 से 10 साल लग जाते हैं दोबारा बनने के लिए, और जो इन्होंने नालियां तोड़ी है और इन नालियों में जो जबरदस्ती दो दो रद्दे लगा रहे, कह रहे थे कि हम 6-6 रद्दे लगाएंगे, दो दो रद्दे लगा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका खर्चा करवा रहे हैं, कोरोना काल में इतना पैसा खर्च हुआ है हारी बीमारी से, तो इन लोगों के पास पहली बात तो खाने के लिए पैसे नहीं, अब इसमें कहां से लगाएंगे अपने दोबारा पैड़ी बनाने के लिए? तो झड़ोदा 5/3 झड़ोदा वार्ड बुराड़ी विधानसभा उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक क्षेत्र पड़ता है, जिसमें जबरदस्ती एमसीडी और विधानसभा विधायक और सांसद मिलकर के ड्रामा करा रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले एक बार मेरे साथ बोलेंगे, इन्हें नारे लगाएंगे मुर्दाबाद। जी हाँ बिल्कुल लगाएंगे।
संजीव झा मुर्दाबाद, संजीव झा मुर्दाबाद, संजीव झा मुर्दाबाद, और मनोज तिवारी मुर्दाबाद, 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 मनोज तिवारी मुर्दाबाद, मनोज तिवारी मुर्दाबाद, रेखा सिन्हा मुर्दाबाद, रेखा सिन्हा मुर्दाबाद। जय मोदी जी और केजरीवाल जी की शरारत है, जो उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने पेट पट्टी बांध करके पेट काट काट करके मकान बनाए थे, उनकी सीढ़ियों को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। मैं ये चाहूंगा एक बार आप इसे फिर से दिखाइए, धमकी दे दे करके ये तोड़ रहे हैं जबरदस्ती, बुलडोजर दिखा करके। ये देखिए, ये देखिए, ये